अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मेरा नाम है सैयद ताहिर शाह, तुस सब देखते पे हो यूट्यूब चैनल विलेज ड्रीम ऑफिशियल। तो आज दी वीडियो करने स्टार्ट, अज असी आए हैं अपने एक दोस्त को, उन्हां दी बेर हैगी है, खेतों के आए हैं बेर खाने वास्ते, नाल तुहानू भी खाने हैं ते नाल खाने हैं। चलो जी वीडियो करने स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल? ठीक ठाक। दसो जी हम केड़ी बेर है ते कदों लाई है तुसी ते किन्ने दिन हो गए ने इनू? थोड़ा अगे होया ते इंदा किन्ना क झाड़ है, किन्ने मण लैंदे बेर? ए जी सऊ बेर है जी, इनू 3-4 साल हो गए साडे कोले लगी नू। अच्छा, ते ए काफी जी ए बेर है सी बेचे बुचे ते हिन कदे ने। ते ए बस कोई रिश्तेदार कोई बेली सज्जन उना से हैगी है जी, लै लू जांदे ने। ते बेर ता मिठे है जी, बच्चे खांदे ने, इस वजह तू ये खड़ी है बस। सही हो गया। तो स्प्रे स्प्रु ऐड की कीता है नुको नहीं? इन्हें स्प्रे करना पैंदा जी, ज्यादा कीड़े पै जांदे ने। अच्छा, ते ऐसे री जेड़ा ना स्प्रे नु कीता है, बेर बड़े अच्छे खले ने ऐसे री, काफी बेर है। बेर तो माशाल्लाह काफी लग गए ने। ते केड़ी मौसम केड़ी च पकदे ने? इस ये जी बस 15-20 दिन थोड़ी तैयार हो जासे। देख रहे ने जी, ये तकरीबन 15-20 दिन दे विच तैयार हो जासे। इंशाल्लाह जदों तैयार होए तुहानूं फिर भी विखावांगे। ते अज असीं आए हां खेतां च, खेतां दा मोइना करन। हां जी, ते हुण असीं आ गए हां कणक दे विच। आ तुहानूं कणक दिखाने आ जी, ये वतन बीज हैगा। ते ये असीं घर दे खावण वास्ते रलाई हुई है, तकरीबन 1 एकड़ है। इहनूं असीं ना तां खाद लाया ते ना स्प्रे लाई है, क्योंकि खाद ते स्प्रे तो बिना उगाई है। तुसी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी कणक खलोती है। तो जिहड़ी असी मंडी फरोख्त करनी हुंदी है उन्हें फिर असी स्प्रे भी लाने, खाद खूद भी लाई दी है, जैंक भी लाई दी है, होर बड़ी चीज़ा पोटाश हुंदी है, दानेदार जैंक हुंदी है, वह भी लाई दी है। लेकिन जिहड़े असी घर विच खाने उन्हें असी ये जी चीज़ा जहर वगैरह कदे नहीं लाई। तो हाँ जी, ये जी गंदम दे विच जम्मू लाया है, जिन्हों उर्दू च जामन आखते हैं तो असं पंजाबी इनू जम्मू आखते हैं। माशाल्लाह इदा भी अगर सीजन आवन वाला है, तकरीबन सावन के तैयार होंगे और बड़े अच्छे जम्मू मिठे जम्मू लगते ने इनू। तो जदों ये तैयार होया उदों भी इंशाल्लाह तुहानू जरूर विखावांगे। तो आ जाओ चलने हुण आपां पठियां दे विच। पिटर है इनू चला के फसलों पानी लाई दे। इत्थे साडे इलाके दे विच ना जी पानी जिहड़ा है ये बिल्कुल जमीन के उत्ते तकरीबन 30-35 फुट से पानी आ जाता है। इस वास्ते जी डल हैगी इन्नी डूंगी नहीं खड़ते, तकरीबन 10 फुट डल होंगी है, उत्ते पक्खा रख के ला देता है पानी। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पानी आता है साडे इलाके दे विच। आ जी पट्ठे है जो मझा वास्ते वढ़ के मझा पाने, तो उन्होंने राई छड़ी हुई है। ये राई जी है ना, इस वेरी राई में बीमारी पै गई सी, तो इस वजह तो राई ठीक नहीं हुई। स्प्रे भी किए ने लेकिन बीमारी बड़ी सी, उनकी वजह तो ये ऐलकी रह गई है। तो इंशाल्लाह अगले साल इन्हों हाथ वाहवा मारांगे तो राई चंगी होगी। अच्छा, लगा हुआ जी देसी माखी, तो वो चल तो खाने असी इतने लग जाते हैं, फिर असी किसी को लाहन नहीं देते, क्योंकि असी आप घर के इस्तेमाल करने वास्ते रखते होंगे। तो आ जाओ हम तुम्हें वो चल विखाने माखी। माशाल्लाह तकरीबन इन्हें 6-7 किलो माखी निकलेगा तकरीबन इन्हें।
इस तो ज़्यादा हो सकता है, इस तो काम नहीं होना, 6-7 किलो माखी पक्का इन्हें निकलना। इंशाल्लाह ये तकरीबन 8-10 दिन तैयार हो जाएगा। 10 दिन बाद असं उतारा इंशाल्लाह वीडियो दिखावे दस भी देसी माखी बाजार वाला नहीं देसी माखी। अज आ हूँ कणक आया जिन्हों असी खाद तो स्प्रे वगैरह करी दा ये माशाल्लाह चेक करो बहुत ही अच्छी कणक खलोती है। तकरीबन ये 50-60 मण किला झाड़ देगी, तकरीबन 70 नू क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। तो अज मौसम भी बड़ा ख़राब है, तुम देख रहे हो कि हवा चल रही है, आवाज़ पता नहीं तुम्हें ठीक आती पी है कि नहीं। बारिशा दस गए ने, दुआ करो बारिश ना आए। असी जिमीदार लोग हाँ, जो बारिश आ गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, साडा फसल खराब हो जाएगियाँ। तो अगर साडा वीडियो साड़ी तुम चंकी लगी हो, वीडियो लाइक करना, चैनल सबसक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करने। तो इन